आप देख रहे हैं कि महंगाई की क्या हालत है। पेट्रोल पंप पे जब मीटर चलता है ना, तो ऐसा धड़कन भी उसी स्पीड से बढ़ने लगता है। मैं तो कहता हूं कि देश ने सरकार नहीं चुना है, खून चूसने वाला सिरिंच खरीद लिया है। हर मुद्दे पे जो है सरकार से जो भी आप एक्सपेक्ट करते हैं, उस एक्सपेक्टेशन को तो छोड़ दीजिए। जैसा दुष्यंत कुमार ने लिखा है कि कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कि पेट्रोल महंगा है, एक तरफ पेट्रोल ऊपर जा रहा है, रुपया नीचे आ रहा है। महंगाई का दर देश में सबसे ज्यादा है। एक एक करके सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हैं। पीएसयू को आप उठा करके देख लीजिए, परमानेंट नौकरियां लगातार कम की जा रही है, ठेके पे बहाली किया जा रहा है। कैसा परमानेंट जुगाड़ किया है सरकार ने साहब, कि प्रधानमंत्री होते हैं 5 साल के लिए, संविधान में ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन आप जो है सत्ता का अहंकार देखिए, कि प्रधानमंत्री के जो नंबर 2 हैं, वो कहते हैं कि हम जाने के लिए नहीं आए हैं, 50 साल यहीं रहेंगे। तो नियम ही बदल दीजिए कि अब प्रधानमंत्री का चुनाव 5 साल के लिए नहीं होगा, 50 साल के लिए होगा। जहां कॉन्ट्रैक्ट पे चीजें हैं कि आप 5 साल के लिए ही प्रधानमंत्री हो सकते हैं, वहां आप लाइफ टर्म रिचार्ज चाहते हैं, लाइफ टर्म, फुल टाइम रिचार्ज। लेकिन जहां सरकारी नौकरी में परमानेंट की व्यवस्था थी, उसको एक एक करके समाप्त किया जा रहा है। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए एम न्यूज़, जेड न्यूज़, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।